सो एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी और एक टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है दैट इज जो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं एम बी बी एस अब्रॉड प्लान कर रहे होते हैं उनको टीच में कितना स्कोर चाहिए होता है टू टेक एडमिशन वैसे तो यू you नो know, कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते जब वीडियो स्टार्ट करेंगे डिस्कस इन डिटेल सो लेट्स गेट इंडिया में ऑलमोस्ट 18 20, 22 लाख बच्चे हर साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं मैंने इतने वेरिएंट फिगर्स इसलिए बताए बिकॉज हर साल ये वेरी करता है उसका रीज़न क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को एम करना होता है जो पहली प्रायोरिटी उनकी होती है इंडिया से एम करना और ऑब्वियसली यार अगर आप इंडियन हो तो आपको पहले प्रेफरेंस जो है वो इंडिया से एम करने को ही देनी चाहिए क्योंकि आप इस जगह से फेमिलियर हो आपको कॉलेज से प्रैक्टिस यहाँ करनी है तो जो आप प्रैक्टिकल एजुकेशन गेन करोगे वो आप यहाँ पे गेन करोगे तो ऑल एंड ऑल यू नो वो ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं वैसे तो यू नो एम बी बी एस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कोर्स है ट्रस्ट मी ऑन दिस जिसका सपना सिर्फ बच्चा नहीं देखता आई थिंक जब मैं भी छोटी थी एंड मेन यू टू आस मी दिस क्वेश्चन वॉट यू वॉन्ट टू बिकम आई थिंक दो ही चीज़ निकलती हैं आई देर वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर अब के बच्चों में थोड़े से चेंजेस आने लगे हैं जवाब में बट पहले के टाइम पर बिकॉज दीज आर द मोस्ट प्रिफर्ड कोर्सेज सोफेस्टिकेटेड कोर्सेज तो जब एम बी बी एस की बात कर रहे होते हैं तो इसमें एक तो ये आपका अकेला सपना नहीं होता आपके मम्मी का आपके पापा का आपके रिश्तेदारों का क्योंकि यू you नो know, आप एक तो सोसाइटी को सर्व कर रहे हो यू you नो know, मेरा बेटा डॉक्टर है मैं डॉक्टर हूँ राइट right? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रीट कर रहे हो यू you नो know, तो एक तो वो चीज़ एंड काफ़ी यू नो रेपूटेशन भी मिलती है सोसाइटी में कि अच्छा वो तो डॉक्टर है तो ये एक रीज़न होता है कि मतलब आप देख रहे हो कितने सारे बच्चे आई uh, थिंक सबसे ज्यादा एक्सपेरेंस अगर किसी एग्जाम को देते हैं वो नीट का एग्जाम होता है ट्वेल्थ के बाद सो दैट वॉज अबाउट द नीट एग्जाम तो बहुत सारे स्कोर्स हैं 500, 600, 550, 450, 300, 250। तो सिंपल सी चीज़ है कि यूजुअली मैंने देखा है कि बच्चा एक से दो ड्रॉप लेता है कुछ नहीं लेते हैं तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको लगता है कि मुझे ड्रॉप अप नहीं लेना है मेरा स्कोर कम है स्कोर कम मतलब मैंने क्वालिफाई तो किया है एक क्वालिफाइंग स्कोर होता है कई बार 200 है कई बार 180 है डिपेंड करता है इस साल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या होगा व्हेन इट कम्स टू तो नीट ट्वेंटी तो अगर आपने क्वालिफाई किया है बट यू नॉट एबल टू गेट इन अ कॉलेज अब कॉलेज में भी दो कैटेगरी होती है होती है गवर्नमेंट फीस कम है मतलब हर बच्चा चाहता है एमबीबीएस करना मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से करना बिकॉज प्राइवेट कॉलेज़ की फ़ीस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है दस से बारह लाख का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता है जो हर इंसान के लिए डेफिनेटली डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है तो इसी वजह से वो प्राइवेट जा ही नहीं पाते हैं तो लेट से अगर हम बात करें पचास साठ हज़ार सत्तर हज़ार सीट है उस पचास साठ सत्तर हज़ार सीट्स में भी अगर प्राइवेट सीट्स है तो बहुत कम बच्चे ऑप्ट कर पाते हैं तो उन बच्चे के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो कम बजट में कहीं ना कहीं जाके अपना एमबीबीएस अब्रॉड बाहर से कर सकते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट का एग्जाम जैसे एफ का एग्जाम होता था जिसमें यू you नो know, आपको एमबीबीएस करने के बाद एग्जाम देना उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता था प्रैक्टिस करने के लिए उसी तरह से अभी नेक्स्ट का एग्जाम होता है जो इंडिया में भी स्टूडेंट्स को देना है अब्रॉड से जो एमबीबीएस किए हैं उनको भी देना है और वो एग्जाम क्लियर करके आप कहीं ना कहीं इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अगर आपको जो क्वेश्चन है मेन की भाई वॉट आर द मिनिमम रिक्वायर्ड तो जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे नीट ट्वेंटी में 200 होंगे 220 होंगे वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप एम बीबीएस के लिए प्लान कर रहे हो अगर आप जानना चाहते हैं फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकते हैं क्या ऑप्शन आपके लिए सही हैं क्या नहीं सही हैं उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आपने सारे क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं रिलेटेड टू आइडर मैं ड्रॉप लूं या फिर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाऊं या फिर दूसरे कोर्सेज के लिए जाऊं अपने सारे सवालों को पूछ सकते हैं सो नॉट फोरगेट टू शेयर आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर such सच keep कीप our channel चैनल एंड not forget टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब